जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 11 बज गए हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और मैंने मतलब नाश्ता कर चुकी हूँ। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ खाना, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि आज हमारे यहाँ कोई आने वाला है तो उनके लिए किचन में खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मेरी अरबी उबल रही है कुकर में, और मैंने टमाटर कट कर लिए हैं वहाँ पे। ये चार टमाटर, तीन, हाँ शायद चार टमाटर कट किए मीडियम साइज़ के। और उसमें मैंने डाली एक बड़ी इलायची और दो दालचीनी के टुकड़े और तीन हरी मिर्ची। इनको काट करके उबाल रही हूँ मैं। अब ये उबल ही गए हैं, लगभग 5 मिनट में उबल जाएंगे। उबल गए, उसके बाद मैंने उन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। फिर उनको उनका पेस्ट बनाएंगे। और जब तक मेरी अरवी भी उबल चुकी थी, उसके बाद मैंने अरवी निकाली। अरवी थोड़ी ठंडी हो गई, उसके बाद मैं छीलने लगी हूँ अरवी। और आज कौन आने वाला है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा हमारे घर। तो यहाँ पे अब मैं अरवी छील रही हूँ और मम्मी से भी कुछ बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और टीवी देखते देखते अरवी भी छील रही हूँ मैं यहाँ पे। और अरबी मेरी छिल चुकी है। अरबी छिलने के बाद मेरा, और जो मैंने टमाटर बॉईल करे थे ना, वो मैंने, वो मेरे ठंडे हो चुके हैं। वो मैंने पानी में से अलग कर दिए थे और उसका पानी रख लिया था। और यहाँ मैंने तो ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाला है कट करके, और वहाँ मैंने पेस्ट पीस दिया। ये मैंने सोचा जब तक मेरे, मैं वो ये रायते की भी तैयारी कर दे रही हूँ। तीन छाछ मैंने पैकेट लिए हैं, तीन छाछ के पैकेट लिए हैं, उसमें मैंने डाल दिए बूंदी। तब तक मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी, तब तक थोड़ी सी बूंदी फूल जाएगी, इसलिए मैंने इसमें भिगो के रख दिया। अभी मैंने नमक वमक कुछ नहीं डाला है। और यहाँ मैंने पनीर कट कर लिया है, पनीर कट कर लिया, पनीर, ओह सॉरी, मटर भी धो ली है। मटर वगैरह धो के यहाँ पे मैं कर रही हूँ मटर पनीर बना रही हूँ सब्ज़ी। और यहाँ मैंने डाल दिया है हींग, जीरा और तेज़पत्ता डालना भूल ही गई थी। मैंने निकाल कर रखा था लेकिन डालना भूल गई। और यहाँ मैंने वही जो पेस्ट बनाया था उनका, वो पीस के पेस्ट यहाँ पे डाल दिया है मैंने। और यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने पहले पनीर डाल दिया, मटर बाद में डाली, तो बस हो गई। पनीर पहले थोड़ा, मतलब मटर पहले डाल लो, थोड़े से भून लो, अच्छे से सही रहता है। और यहाँ मैंने डाल दिए मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये सब डाल दिए मैंने यहाँ पे। और डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ मेरा मसाला भुन चुका है। और ये देखो, मैंने ये मिस्टेक कर दिया, मैंने पहले पनीर डाल दिया बाद में मटर। मैंने को पहले मटर डालनी थी, थोड़ा मटर के साथ भी भूनना था मुझे, और मैंने पहले पनीर डाल दिया। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर में कैमरा ऑफ करके, फिर पहले हल्के हाथ से मैंने चलाया, क्योंकि पनीर फिर टूट जाता, इसलिए फिर मैंने चलाया। 5 मिनट तक भूना पनीर को मसाले के साथ, फिर उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा सा, मतलब लिक्विड वाली बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, तो वही मैंने यहाँ डाल दिया पानी। और जब तक मेरी सब्ज़ी में उबाल आता है, जब तक मैं यहाँ पर धनिया कट कर रही हूँ, हरा धनिया सब्ज़ी में डालने के लिए। मेरी सब्जी में उबाल आ चुका है, और यहाँ मैंने डाल दिया है हरा धनिया कट, हरा धनिया। हरे धनिया से सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी। और यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया।
उसके बाद मैं करूँगी अपनी अरबी, अरबी की सूखी सब्जी बनाऊँगी अरबी की। यहाँ मैंने डाल दिया हींग, अजवाइन और हरी मिर्ची, उसके बाद डाल दिए मैंने अरबी। पहले इसको अच्छे से चला लूँगी। ये मैंने चला लिया यहाँ पे। मैं डाल रही हूँ मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। बस ऐसे ही सिंपल वाले बनाऊँगी। पर मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरी अरबी ना मेरे से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सीटियाँ लग गई, तो ये देखो मेरी अरबी थोड़ी हलवे जैसी हो गई। फिर मैंने इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाया, 5 मिनट गैस को मैं गैस पे पकाया। और यहाँ मैं लगा रही हूँ नाश्ता, मतलब दीदी वगैरह आ चुकी हैं, जो आने वाले थे मेरे घर मेहमान वो आ चुके हैं। उनके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्किट, और चाय तो बाद में पी थी उन्होंने, हाँ कोल्ड ड्रिंक ना और नमकीन बिस्किट वगैरह ये सब लगा दिया था नाश्ता। यहाँ पे वो यही पी रहे हैं और यहाँ पे आप सबको हाय बोल रहे थे, मैंने कैमरा ऑन कराता था। और ये हमारी दोनों जिठानियाँ हैं और मौसी सास है ना, उनकी दोनों बहू हैं। चलो जी क्या हो गया, नाक में सोना सैंड में डाल ले बेटा, कुछ जरा नाक में सोना, ये तो बोलिए आ गई, क्या हो गया नाक में, ये भी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, जो बाल काट रही है इसके, ये बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी तू कहाँ जा रही हो, कैसे हो, कैसे हो, सोने कौन है, सोने राजा, राजा बोला नहीं तूने, ताई को देख रही है, मचाने तो तू देख रहे, तो देख रही है, लो भैया सबके ब्लॉग चालू हो गए हैं, अब सब हो गए वीडियो बनाने लग गए ये भी हम भी हैं, हम भी हैं यहां पे, दिखना चाहिए हमारे घर, दो दे दो भाई, दे दो छोना, दे दो, दे दो, अब आइए इसके बराबर की, हां ले बाबू, और यहाँ पे मतलब सबने वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नाश्ता मतलब कर लिया है। और यहाँ पे हम क्योंकि खाना तो सब्जी मैंने बना के तैयार कर दिया है, बस फटाफट बस पूरियाँ निकाल देंगे जब खाएंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बैठे हुए हैं सब सारे, तो मतलब मिलके बात कर रहे हैं। और वहाँ पे वो जो बेड पे बैठी हैं वो दीदी की बेटियाँ हैं दोनों, मतलब एक उन दीदी की बेटी है, एक उन दीदी की दोनों बेटियाँ हैं उनकी, और एक छोटी बेटी भी है, एक छोटी बेटी है उनकी, वाइट टी शर्ट में देखी होगी आपने वो। और यहाँ पे वो दोनों दीदी की बेटियाँ हैं जो डांस कर रही हैं एक गाने पे, बट मैंने गाना म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। और यहाँ पे उन्नति को देख रहे हो, वो डांस कर रहे हैं तो वो खुद भी डांस कर रही है इधर से उधर, करना तो आता नहीं, बस हाथों को हिला हिला के इधर से उधर डांस करे जा रही है वो इनको देख देख के। हमने चाय बना ली है उनके लिए क्योंकि उनको दीदी को चाय पीनी थी इसलिए। नहीं ड्रिंक में हम अच्छी बहू है, अच्छी बहू है, हम सब कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड्स, हम संस्कारी वो मैं पैक लगा वो भी कोल्ड ड्रिंक वाले शॉर्ट पैक। और यहाँ पे हम दोनों बहन मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे और कुछ नहीं। और उसके बाद हमने थोड़ी अपनी कुछ बातें करी, और बातों में अगर हम करें ना तो पूरी रात भी गुम हो जाए, मतलब इतनी सारी बातें होती है करने की,
बस ऐसे ही थोड़ी सी होता है ना, थोड़ा सा मतलब गॉसिप करते हैं बैठ के, तो बस अपनी वही बातें कर रहे हैं हम अपनी यहाँ पे, तो हमारी वही बातें चल रही है दोनों बहनों की। और उसके बाद फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद दीदी ने चाय भी पी ली थी, उसके बाद हमने लगा दिया था खाना। यहाँ पे ये देखो खाना लग चुका है सबके लिए, तो यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ दीदी दीदी ने आटा लगा दिया था, और तो पूरियाँ भी दीदी ने निकाल दी थी, सब्जी तो मैं बना चुकी थी, और दीदी ने यहाँ पे आ गई थी तो उन्होंने आटा आटा लगा दिया था, वो पूरियाँ बना रही थी और मैं सबको यहाँ पे खिला रही थी। ये चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं, आगे ज़्यादा करूँगी तो लंबा हो जाएगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय राधे राधे, जय गुरु जी। अब आगे के वीडियोस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे देखने को, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वो करती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए आगे के वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय।